बहादुर लड़के की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में अचानक चोरी बढ़ने लगी। उस गांव में हर रात किसी न किसी के घर चोरी हो जाया करती थी। चोर इस तरह से चोरी कर रहे थे कि पुलिस भी चोरों को पकड़ नहीं पा रही थी। गांव के लोग इससे परेशान रहने लगे। उन्हें अपने घर को बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था। उस गाँव में दो चौकीदार भी रखे गए, फिर भी चोरी कम नहीं हो रही थी। उस गाँव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम धर्मराज था। धर्मराज की उम्र अभी मात्र 9 साल थी। धर्मराज एक बहादुर लकड़ा था। वह भी बहुत समय से चोरों को पकड़ना चाहता था। एक दिन उसे पता चला कि चोर किस रास्ते से आते हैं। उसने अगली रात को अपने हाथ को थोड़ा सा काटा और उस रास्ते के एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। उसने अपने हाथ को इसलिए काटा था ताकि उसको नींद न आए। जब आधी रात हुई तो करीब 5 चोर गाँव में उस रास्ते से घुस गए। जब वह चोर गांव में घुस गए तो धर्मराज ने आधे से अधिक गांव वालों को जगा दिया। वह अपने साथ बहुत से गांव वालों को लेकर उस रास्ते के पास छुप गया, जिस रास्ते से वह चोर जाने वाले थे। आखिरकार वह चोर चोरी करने के बाद वहां आ ही गए। फिर क्या था, सारे गांव वालों ने मिलकर सभी चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सारे गांव वाले धर्मराज की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। आप सभी को बहादुरी का कार्य करना या बहादुर बनने की चाह अंदर ही अंदर जरूर होगी।